अग का गोला बनी इस इमारत ने 27 जिंदगियां नूं अपनी अगोश दे विच लै लिया। दिल दहलाउण वालियां इह तस्वीरां ने दिल्ली के मुंडगा इलाके दीआं, जिथे मैट्रो स्टेशन के नेड़े एक 3 मंजिला इमारत अचानक अग लग गई। अग इन्नी ज्यादा भयानक सी कि किसी नूं बाहर निकलण तक दा मौका नहीं मिलिया। देखदिया ही देखदिया 27 लोग बुरी तरह दे नाल झुलस गए, जिन्हां चों कईआं दी तां अजे तक पहचान ही नहीं हो सकी है। 27 जैसे हमारे पास बॉडीज आ गई हैं और उसके लिए अभी प्रिलिमिनरी हम जो पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको बुला के प्रॉपर स्लॉट वाइज उनको आइडेंटिफाई करा रहे हैं। जो जो आते हैं उनको जो अपने अपने तरीके से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, पहचान से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, करने कोशिश कर रहे हैं कि उनके आइडेंटिफाई हो जाए। अप्रोप्रिएट सेक्शन में केस रजिस्टर किया है और 2 को अरेस्ट भी किया है। इसमें जो जो जिस जिसकी कल्पेबिलिटी फिक्स होगी उस सब पे कार्रवाई होगी, जिस जिसकी गलती पाई जाएगी उन सब पे इस पे एक्शन होगा। और अभी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमें इसमें हम काम आगे करेंगे। दिल्ली दे इस अग्निकांड दौरान 29 लोग लापता दसे जा रहे ने, जिन्हां च 5 पुरुष अते 24 महिलावां ने। पुलिस हुण तक इस मामले च कई लोगों नूं गिरफ्तार कर चुकी है। प्रशासन का दावा है कि जो कोई भी इस अग्निकांड दे लई जिम्मेवार होएगा उसनूं बख्शा नहीं जाएगा। ये अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसमें हमने अप्रोप्रिएट सेक्शन में केस रजिस्टर किया है और जो भी जिसने भी कोई गलत काम किया होगा या जिसने भी इसमें जो रूल्स का फॉलो नहीं किया होगा उन सबके प्रति इसमें एक्शन होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं जो कि कंपनी ओनर थे, जो वहाँ कंपनी चल रही थी रोटर वाली, उसके 2 लोग जो ओनर है वो गिरफ्तार किए हैं हमने, और इसमें आगे भी जो बिल्डिंग ओनर है उन पर भी एक्शन होगा। इस इमारत च सीसीटीवी बनाउण दी फैक्ट्री ते गोदाम सी। दस्या जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट कारण ही इमारत दे विच अग लगी है। इमारत दे मालक समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मृतक दे परिवारक मैंबरां नूं 10-10 लाख रुपए अते जख्मियों के लिए 50-50 हज़ार रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोगों की डेथ हुई है उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर के लोगों को ये बर्दाश्त करने की शक्ति दे। दिल्ली सरकार की तरफ से हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैंने ऑर्डर कर दी है। अभी डीएम यहीं पे मौजूद थी और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाएगी और जो जो लोगों की डेथ हो गई है उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो जो लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अग लगन की घटना बारे शुक्रवार शाम 4 बजे के करीब जानकारी मिली सी। करीब 7 घंटे की मुशक्कत तो बाद इस अग उत्ते काबू पाया गया। जानकारी मुताबिक जदों इस इमारत च अग लगी उदों 200 के करीब लोग काम कर रहे सन, जिन्हां चों 150 तो वध लोगों नूं रेस्क्यू किया जा चुका है। कई लोगों ने घबराहट के मारे इमारत तो छालां भी मारनियां शुरू कर दित्तियां सन। इस इमारत च फायर सेफ्टी का कोई प्रबंध नहीं सी, जिस कारण अग बेकाबू हुई। ग्राउंड फ्लोर तो इलावा इमारत दीआं सारीआं मंजिलां उत्ते हर चीज राख हो चुकी है। हमने इसमें काम में लगाए 27 बॉडीज जो हमने रात में रिकवर करी थी, मॉर्निंग में हमें कुछ रिमेन मिले हैं जिससे लगता है वो 2 या 3 बॉडी और होंगी। टोल जो है 29 या 30 हो सकता है। इस बिल्डिंग के पास फायर का एनओसी नहीं था, कोई फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी नहीं थे, इसमें एक ही रास्ता था। फायर इसलिए इतनी जल्दी फैली क्योंकि वर्टिकल कंपार्टमेंटेशन नहीं था और इसमें प्लास्टिक का मटेरियल, सीसीटीवी वायर और ये थे, इस वजह से जो है फायर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे फैली। हुण सरकार मुआवजा दे रही है, दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा भी किया जा रहा है, पर वक्त रहिंदिया कार्रवाई क्यों नहीं हुई यह बड़ा सवाल है। दिल्ली च अग्निकांड का यह कोई पहला मामला नहीं है, इस तो पहला भी मामले सामने आ चुके ने। 8 दिसंबर 2019 राणी झांसी रोड अनाज मंडी की फैक्ट्री दे विच अग लगी। इस घटना दे विच 43 लोगों की मौत हुई सी। 12 फरवरी 2019 करोल बाग अर्पित होटल दे विच अग लगन का मामला सामने आया, जिस दे विच 17 लोगों की जान गई। 21 जनवरी 2018 बवाना च पटाका फैक्ट्री दे विच अग लगती है, जिस दे विच 17 लोगों की जान गई। 20 नवंबर 2011 नंद नगरी च एक प्रोग्राम दौरान अग लगती है, इस घटना दे विच 14 लोगों की जान चली गई सी। 13 जून 1997 उपहार सिनेमा दे विच अग लगी, 59 लोगों की मौत हो गई।
अते हुण 13 मई यानी शुक्रवार नूं मुंडका इलाके दी एक घटना जिस दे विच 27 लोकां दी मौत हुई है। हालांकि मृतकां दी गिणती वध होण दा खदशा जताया जा रहा है।